अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड। दोस्तों, आई मैं अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड के ऊपर आप दोस्तों के लिए एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हुआ क्रिप्टो करेंसी की, जिसके अंदर मैं आज आपको एक न्यू क्रिप्टो करेंसी की जो टाइप है उसके बारे में, जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर रैंक पे तीसरे नंबर पर है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो उसकी प्राइस क्या जा रही है, उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू क्या है और वो कैसे काम करती है, उसका सैंपल क्या है, लोगों क्या है, सारा कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आ सके। चलते हैं, चल के आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन बावक्त मिल सके। तो दोस्तों, जो हमारी आज की जो है क्रिप्टो करेंसी, उसका नाम है जी टेटर। टेटर इसका नेम है दोस्तों, और ये जो है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर इसको टॉप, जो अगर 10 की देखी जाए लिस्ट, तो उसके अंदर इसका रैंक जो है वो है तीसरे नंबर पे ये आती है दोस्तों। तीसरे नंबर पे आने की इसकी क्या वजह है वो भी मैं नेक्स्ट आगे जाके आपको बताता हूँ कि इसकी क्या वजह है। तो उसकी ये रीज़न है, ये इसका जो है वो बेसिकली इन्होंने जो अपना लोगो वगैरह रखा हुआ है, ये इस तरह का उसका लोगो है, ठीक है। अगर इसका मैं कॉइन आपको दिखाऊँ तो कॉइन इसका कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का ये कॉइन इसका होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ये USDT ही है, ठीक है। उसके बाद इसके अगर मैं आपको मार्केट की वैल्यू वगैरह का बताऊं, तो आज की इसकी जो करंट वैल्यू है वो $1 है। $1 इसका आज का रेट है, बट मार्केट के अंदर जो इसकी कैप है वो $3 बिलियन की इसने बना रखी है, ठीक है। उसके बाद अगर चलते हैं तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। $1 तो है, बट हमने $1 नहीं देखना, हमने ये देखना है कि क्या क्या इसने अडॉप्ट किया हुआ है, किस तरह ये काम कर रहा है। वो कहता है टेटर प्राइस इज एन कोल्ड एट $1 पर कॉइन। क्या कि अगर आपके पास टेटर का एक कॉइन है तो इट्स मीन कि आप $1 के मालिक हैं। बट वो कहता है डेट बिकॉज, क्योंकि इट इज़ व्हाट द कॉल अ स्टेबल कॉइन, क्योंकि इसको एक स्टेबल कॉइन का नाम दिया जाता है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर। कहता है स्टेबल कॉइन्स आर ट्रेड टू द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिकेशन एसेट। वो बता रहा है कि ये जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं ना, ये ट्रेड किया जाता है, इनको एक स्पेसिफाई एसेट के तौर पे इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं इन द टेटर केस, जो टेटर की केस है इसके केस स्टडी की जाए, तो वो कहता है द यू एस डॉलर टेटर ऑफर एक्ट एज अ मीडियम व्हेन ट्रेडर मूव फ्रॉम वन क्रिप्टो करेंसी टू एंड अदर। ये चीज़ जो है ये देखें, वो कहता है कि इन टेटर केस द यूएस डॉलर, अगर यूएस डॉलर के केस के अंदर इसको देखा जाए, तो वो कहता है कि ये एक्ट करता है दरमियान में, थर्ड पार्टी के तौर पे बैठ जाता है मीडियम के तौर पे। जब कोई बंदा भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपनी ट्रेड कर रहा होता है तो उसके दरमियान में बैठ जाता है, कहता है जी हाय जी मेरे थ्रू करें जी ट्रेड अगर करनी है तो एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर, रेदर देन मूव बैक टू डॉलर। अगर आप चाहते हैं जी मेरे पास ट्रेटर पड़े हुए हैं तो मैं इसको डॉलर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो उस सूरत में भी आप इसको बैक करके तो डॉलर भी ले सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी जो है ना खूबसूरती है, देर यूज टेटर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हुएवर सम पीपल आर कनेक्टेड टेटर इज नॉट सेफली बैक बाय डॉलर। वो कहता है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं जी जो टेटर है वो सेफली बैक नहीं करता डॉलर, हेल्ड इन रिवर्स, बट इन सिट यूज़ आ शॉर्ट टर्म फॉर ऑफ अनसेंडरली टेपर्ड। तो ये वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये जो भी है बाद दवा कोई मसले मसाइल बन ही जाते हैं, हर एक के साथ हो जाता है, सिस्टम है कि डिजिटल चल रहा है, ना तो कोई इंसान इसको चला रहा है, तो ये हर चीज़ को प्रॉपरली करते हैं। इसे स्टेबल कॉइन का नाम ही इसीलिए दिया जाता है। और उसके बाद ये है कि ये आप इसके थ्रू ट्रेड भी कर सकते हैं, एक क्रिप्टो करेंसी से अगर दूसरी क्रिप्टो करेंसी में जाना चाह रहे हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, ये मीडियम के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डॉलर बैक में अगर करना चाहते हैं तो आप इसी को ही इसका डॉलर बैक भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ इन्होंने अलाउ किया हुआ है।
तो अगर आपने इसके थ्रू ट्रेड करनी है तो वो ट्रेड उसी कंट्रीज़ के अंदर होगी जिस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिप्टो वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम नया मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बावक्त मिल सके।